और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 25 अलग अलग तस्वीरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक वोट डाले जा रहे हैं। 95 सीटों पर हो रही वोटिंग में आम जनता के साथ साथ वीआईपी भी ईवीएम का बटन दबाने के लिए लाइन में लगे नजर आए। दूसरे चरण में तमिलनाडु में 38, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 10, उत्तर प्रदेश में 8 के साथ ही असम, बिहार और ओडिशा में 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में 3 और जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही मणिपुर और पुदुचेरी में 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। 15,69,00,000 वोटर्स 1,629 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। अभिनेता से नेता बने दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई सेंट्रल लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टालिन मैरिस कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ पर वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट जरूर डालें। मक्कल निधि मैयम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन भी अपनी बेटी और अभिनेत्री श्रुति हसन के साथ चेन्नई के पोलिंग बूथ संकुआ 27 पर वोट डालने पहुंचे। कमल हासन और उनकी बेटी आम लोगों के साथ ही लाइन में वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी सुबह सुबह अपना वोट डालने पहुंची। बेंगलुरु अपने संसदीय क्षेत्र जयानगर में बीईएस कॉलेज में अपने बने बूथ पर निर्मला सीतारमण ने लाइन में लगकर वोट डाला। उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पल्लासामी ने अपने परिवार के साथ तमिलनाडु की सेलम लोकसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। पल्लासामी ने भरोसा जताया IEDMK और बीजेपी के गठबंधन को जिताएगी। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा में अपनी पत्नी और भाई के साथ सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। उन्होंने गोवर्धन इलाके के गठोली गांव में बने बूथ पर अपना वोट डाला। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी सीट से डीएमके की उम्मीदवार कनिमोजी ने चेन्नई में अपना वोट डाला। वहीं डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई में अपना वोट डाला। कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ने अपनी पत्नी अनीता और बेटे निखिल के साथ बेंगलुरु के रामनगर में वोट डाला। तमिलनाडु की सीमा से सटे पुदुचेरी लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में आज वोटिंग हो रही है। पुदुचेरी की एलजी किरण बेदी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। पूरा देश लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। 95 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना वोट डाला। चिदम्बरम ने कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया और कहा कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। शिवगंगा सीट से चुनाव लड़ रहे पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी अपनी पत्नी श्रीनिधि रंगराजन के साथ वोट डालने पहुंचे। 2014 में कार्ति इस सीट से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कार्ति को कांग्रेस ने